जयपुर आगरा नेशनल हाईवे के आमोली टोल प्लाजा पर भरतपुर के बहुचर्चित भाजपा नेता कृपाल जघीना हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर कुलदीप जघीना की गत 12 जुलाई को प्लानिंग के तहत हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के वक्त कुलदीप और उसके साथी विजयपाल को पुलिस जयपुर सेंट्रल जेल से रोडवेज बस में कोर्ट पेशी के लिए भरतपुर ला रही थी। घटना में विजयपाल भी गोली लगने से घायल हो गया था। घटना के बाद बयाना सर्किल पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सुपा गांव से मुठभेड़ में चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे। इनके खिलाफ रुदावल थाना पुलिस में पुलिस टीम पर फायरिंग करने का मामला दर्ज हुआ था। जिस मामले की जांच बयाना SHO हरिनारायण मीणा कर रहे हैं। डिप्टी SP दिनेश यादव ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हुए बदमाश उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव अजान निवासी विष्णु उर्फ बौना जाट और सेवर थाना इलाके के गांव मालीपुरा निवासी बबलू गुर्जर को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 17 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा गया है। जबकि उनके दोनों साथी सौरभ जाट और धर्मराज पहले से ही 17 जुलाई तक के रिमांड पर चल रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से चार अवैध लोडेड कट्टे, मिर्ची पाउडर, मोबाइल और कार जब्त की है।